कद में मर्दों से भी लंबी थी, इसलिए सब उसको लंबो कहते थे। मीना का बेटा नरेश स्कूल में अध्यापक था और वो नरेश की शादी करना चाह रही थी। वो जब भी नरेश से शादी का जिक्र करती थी तो वो हमेशा एक ही बात दोहराता था, देखो अम्मा, मेरे लिए कैसी भी लड़की पसंद कर लेना, पर अपने जैसी लंबी कभी मत करना। क्यों रे, मेरे जैसी लंबी बहू से भला तुझे क्या एलर्जी है? ऐसी कुछ खास तो नहीं, बस। बस क्या, कुछ आगे भी तो बोल। बस मैं नहीं चाहता कि घर में जिराफ जैसी टांगों वाली बहू आए। मीना नरेश की इस बात को सुनकर हंसने लगी। क्यों रे, माँ पर बोली मारते शर्म नहीं आती तुझे? नाराज ना हो अम्मा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें जैसी बहू पसंद हो वैसी ले आना, मैं तुम्हारे सामने कभी चू भी नहीं करने वाला। कुछ दिन बाद मीना बाजार जाती है और वहाँ उसे उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल जाती है। अरे मीना बहन, कैसी हो? और तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? मेरा बेटा तो सरकारी स्कूल में मास्टर है नंदिनी बहन। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी शादी कर भी दी या अभी नहीं की? नहीं बहन, अभी तो नहीं की है। मीना से ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश होती है और फिर कहती है, बहन मेरी अंतरा भी बिहाने लायक हो गई है। मैं तो कहती हूँ एक बार तुम उसे देख लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। नंदिनी के कहने पर मीना और उसका बेटा नरेश उसके घर उसकी बेटी अंतरा को देखने के लिए चले आते हैं। अंतरा का रंग रूप और गुण तो मीना के मन को भा जाते हैं, लेकिन उसकी कद काठी को देख कर माँ बेटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अम्मा इसका कद तो देखो, तुम्हारे घुटनों तक आती है, ये तो बौनी है बौनी। तो चुप कर, ये बौनी है तो क्या हुआ, मैं तो लंबो हूँ। लंबी सास बौनी बहू, खूब जोड़ी जमेगी हमारी। इस तरह नरेश के विरोध करने पर भी मीना अंतरा से उसकी शादी करा देती है और बहू घर आ जाती है। मीना की बौनी बहू को देखकर नरेश के यार दोस्त और उसके पास पड़ोस के लोग खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन उसके चाचा गोविंद और चाची आरती उनके घर आते हैं। क्यों भाभी, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने नरेश की शादी कर दी और हमें पता तक नहीं लगने दिया? हम सगे चाचा चाची हैं इसके, कम से कम हमें तो बुला सकती थी आप। मुझे माफ करना आप लोग, ये गलती तो मुझसे हो ही गई बस। अब बहू को तो बुलाओ, हम भी तो देखें हमारे नरेश की बहू है कैसी। देवरानी के ये कहने पर मीना बहू को आवाज देकर बुलाती है और अंतरा उनके लिए चाय लेकर आती है। अंतरा को देखते ही नरेश के चाचा के तन बदन में आग लग जाती है। वाह बहू तो खूब ढूंढ कर लाई हो, खुद लंबी थी और बहू बौनी, अच्छे खासे घर को चिड़िया घर बना दिया है। अपने देवर की ये बात सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। देखो देवर जी, आपको मेरे और मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत सलत कहने का हक नहीं है। आप बुरा मत मानो जेठानी जी, ये तो बस बहू के कद को देखकर कह रहे हैं। आदमी की कीमत उसके गुणों से आकी जाती है, उसके रंग रूप और लंबाई या चौड़ाई से नहीं। मैं और मेरी बहू, हम दोनों गुणवंती हैं और इसीलिए किसी को भी हम पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। ये बात देवर जी को अच्छे से समझा दो। मीना की ये बात सुनकर गोविंद खुद को अपमानित महसूस करता है और वो वहाँ से बड़बड़ाता हुआ लौट जाता है। जैसी ऐब वाली खुद है वैसी ही ऐब वाली बहू भी ले आई, मैं भी देखता हूँ कि बहू को घर में कैसे रखती है। नरेश को जब अपने चाचा की नाराजगी के बारे में पता चलता है तो वो उनसे जाकर मिलता है और उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, चाचा जी आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं तो खुद उस बौनी को पसंद नहीं करता, बस अपनी माँ का मन रखने के लिए उसे घर में रखा हुआ हूँ। जब उस बौनी बहू से बौनी औलाद पैदा होगी तब माथा पीटना, तेरी बेवकूफियों का खामियाजा सारे खानदान को भुगतना पड़ेगा, बौनों का खानदान कहलाएगा ये, बौनों का। अपने चाचा की ये बात सुनकर नरेश घबरा जाता है और फिर तो अंतरा उसे अपने मन पर बोझ और खानदान पर कलंक नजर आने लगती है। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप। बौनी कहीं की, बौना बच्चा पैदा करके समाज में मेरी नाक कटवाएगी, चल दूर हो जा मेरी नजरों से। नरेश की इस बात पर अंतरा रोने लगती है और तभी मीना वहाँ आ जाती है। क्यों रे, बहू को किस बात पर परेशान कर रहा है?
मुझसे क्या पूछती हो, इससे पूछ लो अब इस घर में या तो ये बौनी रहेगी या फिर मैं। नरेश की ये बात सुनकर मीना को बहुत दुख होता है। अंतरा उसे सारी सच्चाई बता देती है और फिर मीना नरेश को समझाती है। देखो बेटा, मैं बहुत लंबी थी मगर फिर भी तुम्हारी लंबाई अपने पिता जितनी है, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि अंतरा बौनी है तो इसका बच्चा तुम्हारी हाइट का ना होकर बौना ही पैदा होगा। मगर बौना पैदा नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ये कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद अंतरा की तरफ देखना तक छोड़ देता है। अंतरा अपनी सास के सहारे किसी तरह दिन काटने लगती है। फिर जैसे ही डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो एक दुर्घटना घट जाती है। अचानक ही अंतरा गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाती है। अम्मा बचाओ, जल्दी आओ अम्मा। बहू के चीखने की आवाज सुनकर मीना दौड़ते हुए आकर उसे संभालती है और फिर तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। आप इन्हें सही समय पर अस्पताल ले आई, इसके लिए जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत है। मुबारक हो, आप एक पोती की दादी बन गई हैं। कैसा है मेरा पोता? सुंदर और स्वस्थ है। तभी पीछे से नरेश की आवाज आती है। डॉक्टर, बच्चा बौना तो पैदा नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं, बच्चा पूरी तरह से हेल्दी और नॉर्मल है। ये सुनकर नरेश की जान में जान आती है। फिर मीना और नरेश दोनों बच्चे को जाकर देखते हैं तो फूले नहीं समाते। नरेश अंतरा से माफी मांगते हुए कहता है, अंतरा मैं बस अपने वहम में पागल हो गया था और इसलिए तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। अब मेरी सोच बदल गई है, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना अंतरा। इस तरह नरेश को तो अक्ल आती ही है, साथ ही उसके चाचा चाची का भ्रम भी मिट जाता है कि बौनी बहू केवल बौनी औलाद को ही पैदा कर सकती है। वो दोनों भी मीना और अंतरा से माफी मांगते हैं और नरेश के बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। पारुल एक बहुत ही लंबी लड़की थी, उसकी लंबाई के कारण उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। क्या जरूरत थी लड़की को कराटे सिखाने की? कसरत कर करके इतनी लंबी हो गई है कि कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होगा। अरे तो ना करे ना, वैसे भी कोई भी लड़का अपने बराबर की लड़की के साथ शादी क्यों करेगा? सबको तो अपने से कम बीवी चाहिए, चाहे वो लंबाई हो या कमाई। वो दिन भी आ ही जाता जब फौज में काम करने वाले कमलेश को पारुल पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। मैं तो बड़ा लकी निकला जो मुझे तुम्हारी जैसी लंबी बीवी मिली, वरना मेरे साथ के लोगों की बीवियां तो ऐसी है कि पारुल का ससुराल में पहला ही दिन होता है कि अरे वो जरा ऊपर से बाल्टी निकाल देना बहू। पारुल हाथ लंबा करके बाल्टी निकाल देती है। अरे भाभी जरा ये पर्दा लगा दो। पारुल जरा जाला निकाल कर पंखा साफ कर दो। अब तो पारुल को लगने लगा कि उसकी लंबाई का फायदा उसके घर वाले छोटे छोटे काम के लिए करने लगे हैं। कि तभी पड़ोस की रजनी बहन आ जाती है। अरे मधु बहन जरा अपनी बहू को बोल दो कि मेरे साथ मेरे घर चल चले, वो बच्चा मेरा छत के ऊपर चढ़ गया है और सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही है, जरा हाथ लंबा करके उसे नीचे ले आए। पारुल अब आस पड़ोस के घर भी जाने लगी। एक दिन वो किसी की मदद करके घर वापस आई कि उसके कान में सास की आवाज आती है। बहू ना हुई सीढ़ी हो गई, लोग मांग कर ऐसे ले जाते हैं कि हम लोगों ने कोई अजूबा पाला हो। भैया खुद तो चले गए फौज की नौकरी में, घर में छोड़ गए। पता है माँ कितना बुरा लगता है इनके साथ बाजार जाना, मैं तो कोई ना कोई बहाना बना लेती हूँ। बाहर खड़ी पारुल को ये बात सुनकर काफी दुख होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को किचन में चाय बना रही होती है कि ड्राइंग रूम से उसे अपनी बुआ सास की आवाज आती है। अरे मधु मेरे बेटे की शादी है, जरूर आना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। हाँ हाँ लेकिन वो जरा पारुल बहू को ना लाना, बड़ा मजाक बन जाएगा, अच्छा थोड़ी लगता है। अब आपसे क्या छुपाना दीदी, हम लोग भी परेशान हैं। आसपास मोहल्ले वाले बात बनाते हैं, कोई सीढ़ी कहता है तो कोई ऊंट। अब क्या कर सकते हैं, बेटे को जो पसंद आ गई थी करनी पड़ी शादी। पारुल कमरे में जाकर रोने लगती है कि उसके सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। ये क्या लिखा है?
अगर आपकी लंबाई इतनी है और आपका वजन इतना है तो कल का सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हमें इस नंबर पर अपनी फोटो भेजें। पारुल तुरंत अपनी फोटो खींचकर उस नंबर पर भेज देती है और अगले ही रोज वहाँ से उन लोगों का कॉल भी आ जाता है। माँ जी, मैं जरा काम से जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। चुप रह, कुछ भी ना बोल। ठीक है बेटा, तू जा। अब पारुल रोज जाती और शाम को लौटती। पारुल के चेहरे, पर्सनालिटी और बोलने चलने का अंदाज भी बदल रहा था। फिर एक दिन पारुल का पति घर आ जाता है। अरे बेटा, अचानक क्या बात है, छुट्टी मिल गई? कैसे नहीं मिलती माँ, जिसकी बीवी मिसेज इंडिया बनने जा रही हो। उल्टा सबने मुझसे कहा कि मैं पारुल का ऑटोग्राफ लेकर आऊँ। क्या क्या मतलब भैया, हम लोग समझे नहीं। माँ, पारुल रोज कहीं जाती थी, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ जा रही है। अरे तो घर पर रहकर भी क्या करती है, वैसे भी उनकी लंबाई का आसपास के लोग इतना मजाक उड़ाते हैं कि हम लोगों को तो उन्हें घर में ही रखने में शर्म आती थी। तुम लोग क्या करते हो, ग्रेजुएशन में 4 बार फेल हो चुकी है तू, तुझे शर्म नहीं आती जब हर साल हम लोगों को यही बोलते हैं कि तू अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रही है। चुप कर बेटा, बीवी के लिए बहन का मजाक बना रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती माँ, मैं फौज में देश की सेवा कर रहा हूँ और यहाँ देश के लोग मेरे ही परिवार का मजाक बना रहे हैं। सिर्फ तेरी बीवी का क्या जरूरत थी इतनी लंबी लड़की को घर लाने की? ये तो आप लोगों को आज शाम को ही पता चलेगा। अब क्या था, शाम को एक शानदार फंक्शन में पारुल के सर पर मिसेज इंडिया का ताज सज जाता है। अगले दिन सभी न्यूज़पेपर और टीवी में पारुल के इंटरव्यू छप जाते हैं और घर पर भी कुछ मीडिया वाले आते हैं। ए नौकरानी, जाओ पारुल मैम को बुला लाओ, बोलो स्टार टीवी वाले आए हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो। तभी वहाँ पारुल भी आ जाती है। पारुल ननद के कंधे पर हाथ रखकर मीडिया वालों को कहती है, भले ही ये देखने में इतनी सुंदर सावरी नहीं है, लेकिन ये मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन है। स्टार वाले ननद से माफी मांगते हैं और पारुल का इंटरव्यू करके चले जाते हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका मजाक बनाया और आपके साथ चलने में शर्म आती है ये कहा। हम हमारे परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे तो दुनिया तो मजाक बनाएगी ही ना। और कोई जैसा भी है, अगर वो आपका अपना है, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, तो उससे ज्यादा प्यारा हमें कोई नहीं होना चाहिए, जैसे कि तुम। ये बोलकर पारुल ननद को गले लगा लेती है।